एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर थ्री यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रू दैट वन प्लस वन अपॉन वन प्स टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस एंड सो ओन वन अपन प्लस टू प्लस अपू एन इक्वल टू टू एन अपॉन एन प्लस है लेटस्ट कंसिडर पी एन बी पी एन क्या है दिस इज इक्वल टू दिस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस सो ऑन वन अपन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन अप टू एन इज़ इक्वल टू टू एन अपन एन प्लस वन ठीक है इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट क्या है लेट एन इज़ इक्ल टू वन उसके लिए हमने देखना है कि क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं कि नहीं सो so, एल जो है लेफ्ट हैंड साइड इसमें एन की वैल्यू को वन पुट करें देखिए यहाँ पर अगर एन की वैल्यू को वन पुट करते हैं तो सिंपली वन आता है इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये जो नीचे फ्रैक्शन है उसका जो एंड होना चाहिए वो वन पे ही होना चाहिए और वो क्या है आपका ये दैट इज़ वन अपॉन इसको लिख सकते हो वन अपॉन वन सो एल एच एस जो है उसकी वैल्यू क्या है वन आर एच एस इसमें एन की वैल्यू को वन रखोगे तो टू इन टू वन अपन वन प्लस वन दैट इज़ टू अपॉन टू विच इज इक्वल टू वन देयर फोर right hand side is equal to left hand side therefore PN is true for N is equal to 1. PN is mm -hmm. true for N is equal to 1. Step 2 let us assume that let us assume that the result is true फोर एन इज़ इक्वल टू के एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है सो so किसी नेचुरल नंबर के के लिए हमारा रिजल्ट हमने मान लिया ट्रू है दैट इज वन प्लस वन अपोन वन प्लस टू प्लस वन अपोन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो ओन वन अपन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ओन अप टू के इज इक्वल टू टू के अपोन के प्लस वन इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया स्टेप थ्री वी विल शो दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन हम शो करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए क्या है ट्रू है सो so, एलएचएस जो है वो ले, ले लेते हैं हम यहाँ पर ये वाला पार्ट है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन लास्ट में एन की वैल्यू का हमने के प्लस वन पुट किया है आपकी बार ठीक है विच इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो है हमारे पास वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ओन अप टू के ठीक है प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ऑन अप टू के प्लस वन ये हो जाएगा इसकी जो वैल्यू है ये जो सम है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उसकी वैल्यू ये है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन वन विच इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा टू के अपॉन के प्लस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री एंड सो ओन अपू के प्लस वन ये हो गया अब इसका सम फाइंड आउट करते हैं क्या आएगा देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो टर्म बनेगी हमारे पास वो क्या क्या है वन कोमा टू कोमा थ्री एंड सो ओन अप टू के प्लस वन ये जो पैटर्न है वो क्या बन गया ए पी एज एन ए पी अब ए पी है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है वन कॉमन डिफरेंस डी टू माइनस वन वन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है के प्लस वन सो सम ऑफ के प्लस वन टर्म्स दैट इज सम k प्लस वन टर्म्स वो क्या होता है k प्लस वन बाई टू n बाई टू लिखते हैं यहाँ पर इंटू टू a की वैल्यू वन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है k प्लस वन माइनस वन इंटू d, d की वैल्यू कितनी है वन ये हो जाएगा k प्लस वन बाई टू टू इंटू प्लस प्लस 1 से माइनस कैंसिल के इंटू वन दैट इज के ये हो गया के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ये जो वैल्यू है यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसको विच इज़ इक्वल टू टू के अपॉन के प्लस वन प्लस ऊपर वन है नीचे टर्म आएगी के प्लस वन इंटू के प्लस टू ये जो नीचे टू आएगा उसको मैं पहले ही ऊपर लिख देता हूँ इन दोनों का एल्शियम लें एल्शियम बनेगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा k प्लस टू और उसकी मल्टीप्लीकेशन टू के साथ करोगे तो टू के स्क्वेयर प्लस फोर के और पहले से है हमारे पास टू इसको आप ऊपर से टू कॉमन निकाल के लिख सकते हैं के स्क्वेयर प्लस टू के प्लस वन और वन को आप लिख सकते हो वन स्क्र डिवाइडेड बाई के प्लस वन इंटू के प्लस टू विच इज़ इक्वल टू टू इंट ये बन गया के प्लस वन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई के प्लस वन इन टू के प्लस टू एक के प्लस वन से एक के प्लस वन कैंसिल हो जाएगा इसकी वैल्यू आ गई टू इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस टू और आप देखोगे यही क्या है हमारा आर एच एस देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन therefore pn is true for n is equal to k plus 1 therefore pn is true for all natural numbers hence proved